हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं करने वाली हूँ गेट रेडी विथ मी, लेट्स स्टार्ट इट। फर्स्टली आई एम कंसीलिंग माय आई एंड आईब्रोज। जो लोग न्यू है मेरे चैनल पर, मैं मेकअप से रिलेटेड स्किन केयर, हेयर केयर, होममेड रेमेडीज एंड प्रोडक्ट को रिव्यू का वीडियो बनाती हूँ। आईब्रोज को फिल कर लूँगी मार्स का आईब्रो पैलेट से। व्हाइट कलर का शेड लेके एज अ ट्रांजेक्शन यूज़ करूँगी, फिर मैं ब्लैक कलर का शेड लेके अपनी आउटर कॉर्नर पर अप्लाई करूँगी ताकि स्मोकी इफेक्ट आए। फिर मैं नेवी ब्लू कलर से अपनी क्रीज लाइन पर अप्लाई करूँगी अच्छे तरीके से। उसके बाद मैं व्हाइट कलर का ग्लिटर लेके प्लेस करूँगी। मैं पतली सी विंग लाइनर ड्रॉ कर लूँगी। मैं यहाँ पर मेबलिन की लाइनर यूज़ कर रही हूँ। फिर आईलेस वेयर करने के बाद मैं मेबलिन की मस्कारा से अच्छे से अपने आईलेशेस को फिल कर लूँगी। तो मास्कारा अप्लाई करने के बाद में मेरा आई मेकअप हुआ कंप्लीट। तो मैं अपनी बेस मेकअप करना स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ मैं विटामिन सी का फेशियल सीरम लगा रही हूँ ताकि मेरे बेस फ्लॉलेस लगे। फिर मैं प्राइम कर लूँगी। उसके बाद मैं स्विस ब्यूटी की फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ, डॉट डॉट कर कर अप्लाई कर लूँगी। फिर ब्लेंडर से ब्लेंड कर लूँगी। फिर कंसीलर से कंसील करूँगी अपनी अंडर आई, नोज़ एंड जहाँ जहाँ पर स्पॉट विजिबल हो रही है। फिर मैं सेम ब्लेंडर से ब्लेंड कर लूँगी। उसके बाद मैं NIB का कॉन्टर स्टिक से कंटर करूँगी अपने जॉ लाइन, अपने चिक्स बोन एरिया पर। एंड उसके बाद मैं मेबलिन के पाउडर लेके अच्छी तरह से सेट कर लूँगी। फिर व्हाइट कलर का काजल लेके अपनी लोअर लाइन पर अप्लाई करूँगी अच्छे तरीके से। फिर नेवी ब्लू कलर का आई शेडो लेके अपनी अंडरलाइन एरिया पर अच्छे से मर्ज कर दूँगी ताकि अच्छे दिखे। अप्लाई कर लिया मैंने। फिर हाइलाइटर से हाईलाइट करूँगी ताकि मेरा बेस और भी ग्लोई लगे। फिर मैं ये NIB का लिक्विड रेड लिपस्टिक अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक, अप्लाई करने के बाद यहाँ मेरा लुक हुआ कंप्लीट। तो कैसे लगा आपको मेरा ये लुक, कमेंट कर देना कमेंट सेक्शन पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि मुझे मोटिवेशन मिले।